तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं चर्च लैन। महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान हैं, भक्त बैठे हुए हैं और उसी समय एक सातवीं कक्षा का बालक गेट से खुजता है। बालक अंदर की तरफ बढ़ रहा है, महाराज जी की नजर पड़ती है और महाराज जी बोल पड़ते हैं पीसीएस आईएएस। क्या बोलते हैं? पीसीएस और आईएएस, आईएएस। भारतवर्ष में हमारे यहां हमारे देश में सबसे बड़ी परीक्षा है ये प्रशासनिक सेवाओं में। आईएएस जब बन जाता ना आदमी तो उससे आगे पूरा एकदम शिखर है पढ़ाई का और सपना भी होता है बच्चों का। सातवीं कक्षा का बच्चा दर्शन करने के लिए आया हुआ है और महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया देखते ही पीसीएस आईएएस। लेकिन ये समझ में नहीं आया पीसीएस करेगा या आईएएस करेगा, है ना। महाराज जी की हर बात में कोई ना कोई विशेष अर्थ होता है। तो जो बालक दर्शन करने आया है उसका नाम है मंजुल जोशी। मंजुल जोशी का कभी कभी हमने जिक्र किया है आपके पास। मित्रों, ये रब्बू दादा के छोटे भाई हैं, हेमदा के पुत्र हैं। सन 1980 में मंजुल जोशी ने पीसीएस का एग्जाम दिया और टॉप पोजीशन पाई। 1980 में आप पीसीएस अधिकारी बन गए, प्रशासनिक अधिकारी बन गए और अपनी सेवाएं देने लगे। बहुत अच्छे अफसरों में आपकी गिनती रही। आपके काम ऐसे रहे जो समाज के हित में रहे। आपको बहुत जगह सम्मानित भी किया गया, क्योंकि काम जब होता है ना, श्री कृष्ण मिश्र ने कहा है कि दोस्तों वो कौन सा समीकरण है कि नदी थम जाए गांव बहने लगे और काम रुक जाए नाम होने लगे, है ना। तो आपका मंजुल जोशी का अच्छे अधिकारियों में नाम हुआ और आपको याद है ना महाराज जी ने कहा पीसीएस आईएएस। तो आपने पीसीएस की परीक्षा दी, आप उसमें टॉप हुए। इसके बाद आप सेवाएं करते रहे और आपको प्रमोशन मिला तो आप बन गए आईएएस, है ना। और इसी वर्ष से यानी 2021 में देहरादून जो उत्तराखंड में है अब, वहां के एडीएम पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस समय मंजुल जोशी जी हल्द्वानी में रह रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। आपसे जब बात हो तो लगता है बहुत ही खुश मिजाज व्यक्तित्व से वार्ता हो रही है। और कभी मैं आपसे उन्हें मिलवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से उस सातवीं कक्षा के जो विद्यार्थी, जब महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था तो उस विद्यार्थी से मैं जरूर मिलवाऊंगा आपसे, जैसे ही हमारा टाइम सेटल होता है और ये कोरोना का थोड़ा सा दौर थमता है, हम जाएंगे और मंजुल जोशी जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आशीर्वाद जब मिल जाता है तो फलीभूत होता है। पीसीएस और आईएएस दोनों जो आशीर्वाद दिए थे महाराज जी ने, वो उस भक्त पर कैसे हुए, पीसीएस भी बने और आईएएस भी। तो मिलवाता हूँ मैं शीघ्र आपको मंजुल जोशी जी से। आज लेता हूँ विदा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट भी